जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने गोपेश्वर नगर क्षेत्र की भूस्खलन प्रभावित हल्तुआ पानी में चल रहे सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से काम की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि प्रोजेक्ट का समय पहले सितंबर निर्धारित था, लेकिन मानसून के कारण दिसंबर तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। भूस्खलन क्षेत्र में माइक्रो पाइलिंग का कार्य 4 चरणों में पूरा हो चुका है और अब गेबियन वॉल का निर्माण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने प्रभावित भवनों में लगे क्रैकोमीटर की जांच भी की, जिसमें दरारें बढ़ने का कोई संकेत नहीं मिला। उन्होंने कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता के साथ कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए और हल्तुआ पानी में क्षतिग्रस्त हाईवे का तत्काल डामरीकरण कराने का आदेश दिया, ताकि वाहनों की आवाजाही सुगम बने रहे। तो कंपनी का कार्य थोड़ा विलम्ब से चल रहा है, सितंबर इनका बहुत कॉम्पिटिशन डेट था, तो उसमें मानसून का हवाला दिया गया है और उनको टाइम एक्सटेंशन मिला है सितंबर तक। तो यहाँ माइक्रो पाइलिंग का काम 4 चरणों में पूरा हो चुका है और अब गेबियन वॉल का काम पेंडिंग है। तो कार्य प्रथम दृष्टया तो संतोषजनक लग रहा है, ऐसी कोई कमी यहाँ नहीं दिख रही है। और एक घर का हमने क्रैकोमीटर भी अवलोकित किया है, जिसमें कोई भी क्रैक बढ़ने की घटना नहीं पाई गई है। तो आशा है कि ये हल्तुआ पानी का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेगा और सुरक्षात्मक दृष्टि से सफल रहेगा।